अगर मुझे पहले पता होता तो पहले ही छोड़ देती उसे। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू मेरी बात तो सुने, मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। तो फिर चलो ना मेरे साथ, घर चलते हैं बेटा। मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बस एक हफ्ते के अंदर अंदर फारिस की शादी करा दें। मंजूर है। लेकिन हम सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक वहां रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं और तुम नानी। खैर मुबारक, बैठो बैठो बैठो। मैं उसकी वालदा से बात करता हूँ। डैडी प्लीज। देखो भैया, जब तुम्हारी और फारिस की बात थी तो मैं कुछ नहीं बोला। वो रिश्ता तय करके गए हैं, अब वो तुमसे अलहदगी में कैसे इनकार कर सकते हैं? उसके बड़ों ने बात की है, उनसे बात करना पड़ेगी। ये क्या पता? फारिस, शादी तो तुम्हें इस लड़की से करनी होगी और वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। किस बात की जल्दी आपको? हारे पर हाया, इसी शर्त पे तो घर वापस आए। तो ये बात है। और मैं बेवकूफ खुश हो रहा हूं कि शायद आप मेरी खुशी में शरीक होना चाहती थी। पर आप तो हरीश, तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना। पता नहीं क्या मतलब है तुम्हारा पता नहीं। तुम हर चीज को उलझा क्यों देते हो? उलझा रहा हूं? हाँ, तुम उलझा रहे हो। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्यों कर रही हो सब, क्योंकि तुम आज भी समझते हो कि मैं एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। वो नहीं वापस आएगी, उसे भूल जाओ, क्योंकि वो मां बनने वाली है। भूल जाओ उसे हमेशा के लिए। मैं कल ही जाकर तुम्हारी शादी की तारीख तय करती। थैंक यू हया, आज मैं बहुत खुश हूं। इतना खुश मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैं जानती हूं मैंने आपको आज तक कितना खुश नहीं देखा। तुम जानती हो तुमने मुझे सिर्फ खुशखबरी नहीं सुनाई बल्कि मुझे नई जिंदगी दी है। याद है तुमने कहा था कि हमें नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जो हो गया उसे मैं भूल जाऊं, तुम भी भूल जाओ। आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे।
ये सब क्या है? क्यों ठीक नहीं लगी? हमारी शादी मोहब्बत जताने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए की गई। आप प्लीज प्लीज तुम तो ऐसी बातें मत करो। सच नहीं? सच है ना फारिस? वैसे भी अभी तो हम अपने कमरे में हैं, तो मैं जो चाहे पहन सकती हूँ। जब सुबह सबके सामने बाहर जाऊंगी तो कुछ अच्छा पहनूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, होने लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। फारिस, फारिस, ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फारिस उठ गया बेटा? वो तो सो रहे हैं। अच्छा, वो मैं अस्पताल जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम लोग को बताती चलूं। खैरियत? हया रात भर से अस्पताल में है। दरअसल उसका मिसकैरेज हो गया बेटा। सॉरी। बस जो अल्लाह की मर्जी। भाभी की तबीयत कैसी है? हाँ यही देखने जा रही थी। एक काम कर दोगी मेरा? अपने अबू को कॉल करके कह दो कि नाश्ता लेकर नहीं है। वैसे जब मर्जी आए। बस मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग नहीं होंगे घर पर रिसीव करने के लिए तो कहीं वो बुराई ना मान जाए। जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं डैडी को समझा दूंगी, समझ जाएंगे। और उन्हें ये भी बता देना कि शायद अलीमा पोस्टपोन करना पड़ जाएगा। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, फारिस उठे तो उसे बता दें।
मेरी ये कंफ्यूजन दूर करोगे? ये दो ड्रेसेस हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा पहनूं। ये ड्रेस नई नवेली खुशबाश दुल्हन को जाहिर करने के लिए, और एक ये हया की ट्रेजेडी में शिरकत जाहिर करने के लिए। बताओ कौन सा पहनूं? क्यों कर रही हो सब? मैं कर रही हूं, सब कुछ तो तुमने किया है। पहले शादी करनी है, फिर शादी नहीं करनी, और फिर शादी करनी। मैं तो बस तुम्हारे बताए हुए इशारे पे नाच रही हूं। कब किसे मुतमईन करना है, कब किसे कैसे खुश करना है, तुम्हारी सोच में तुम्हारा साथ दे रही हूं। इसीलिए ये दोनों ड्रेसेस तुम्हारे सामने रखे। तो बताओ फिर किसे मुतमईन करना है और किसे खुश? और कुछ कहना है? तुम पहले मेरी दोस्त थी, इसलिए जो दिल में आता था मैं कह दिया करता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी इस बात का भी ख्याल नहीं रखा तुम्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन अब तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी खुशी मुझे उतनी अजीज है जितनी किसी और की। इस बात पे कब तक कायम रहोगे? तुम्हारी और मेरी शादी की वजह हया की प्रेगनेंसी बनी थी, अब वो भी नहीं रही। बंद रास्ते तुम्हारे लिए फिर खुल गए। छुपा रही, रो लो बेटा, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वो कभी मेरे अपने क्यों नहीं होते? अरे अम्मी चली गई, अब्बू ने दूसरी शादी कर, हमारे साथ शिजा पैदा हुए तो आप भी मेरी नहीं रही। लगता था हया तो मेरी होगी, लेकिन किसी और की मोहब्बत में थी। अब लगता था मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो मेरा सभी, वो भी मुझसे वापस नहीं मिला। मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? जिंदगी में बुरे मोड़ जरूर आते हैं, लेकिन जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना, एक तवील सफर है, और इस सफर में अच्छे मोड़ भी तो आ जाते हैं ना। मेरी जिंदगी में ऐसे कोई मोड़ नहीं है, सिर्फ अंधेरे हैं, वीरानी और कुछ भी नहीं। नहीं बेटा,
रात तवील जरूर है लेकिन सवेरा भी तो है ना बेटा। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा है। तुम क्या समझते हो जिंदगी यहाँ खत्म हो जाती? नहीं बेटा, तुम देखना अल्लाह की रहमत बरसेगी। तुम क्यों मायूस होते हो? तुम देखना एक दिन दोबारा से हया की गोद फिर से आबाद होगी। तुम दोनों फिर से खुश होगे। खुश है तुम्हारे कदम चूमने की देखना तुम। अब उठो और हया के पास जाओ। उसे इस वक्त तुम्हारी बेहद जरूरत है। चलो। नहीं, उसे रहने नहीं होगा ये सब। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे इन कपड़ों से इस घर की इज्जत में कोई फर्क आ सकता है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कपड़े चेंज करके जाऊं ताकि मैं अपने डैडी को बता सकूं कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूं, तो ऐसा नहीं होता। इंसान अगर दिल से खुश हो ना तो वो खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो जाती है। सुबह तक इंतजार कर लो, यहाँ भी चली जाओ। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी चली जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आरिफ को खफा मत करो। ये क्या पता? मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास जा सकती हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? अरे ऐसे मौकों पर जितना माँ ख्याल रख सकती है कोई और नहीं रख सकता। जाने दो ना बेटा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिक्र नहीं करो बेटा, मैं बात करूंगी इससे। मैं ऊपर जाती हूँ, बुशरा से कहती हूँ तुम्हें आकर ले जाए। ठीक है। Thank you.
हया, बेटा हारिब की मर्जी से आई हूं? नहीं, वो नहीं मान रहे थे। ताईजान ने कहा था कि वो मना लेंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अपनी ताईजान की बातों में नहीं आना चाहिए था बेटा। कोशिश करो कि हारिब को नाराज ना करो बेटा। शौहर जैसा कहे वैसे ही करना, वरना पछतावों के अलावा कुछ नहीं रह जाता। हया, कहीं जा रही हो क्या? वो घर जा रही हूं। ये घर है अब तुम्हारा मेरी जान? हाँ, मेरा मतलब है डैडी के घर जा रही हूं। तो वैसे कैसे, अकेले? नहीं आंटी, वो मैंने पारी से पूछा था, उसका मूड नहीं हो रहा जाने का। डैडी को सुबह नाश्ते के लिए भी मना कर दिया था और वलीमा भी कैंसिल हो गया। मैंने सोचा मैं मिला हूं। हाँ तुम इस तरह कैसे जा रही हो? अच्छे से कपड़े पहनो, जेवर पहनो, नई नवेली दुल्हन हो, फारिस को साथ लेके जाओ बेटा, अच्छा लगेगा। आंटी फारिस नहीं जाना चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं लेके जा सकती। और मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, फारिस को भी कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। देखो बेटा, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। जब बच्चियां वहां जाती हैं तो उन तौर तरीकों को उन्हें अपनाना चाहिए। मैंने भी अपनाया था, तुम्हें भी अपनाना चाहिए। देखो मैं पाबंदी के कायल नहीं हूं। मैं आजादी पर यकीन रखती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर खानदान की इज्जत पर हर्फ आ रहा है तो मुझे बोलना चाहिए, टोकना चाहिए। मैं नहीं समझती कि तुम्हें इस तरह जाना चाहिए। ढंग के कपड़े पहनो, जेवर पहनो, अच्छी तरह से तैयार हो, फिर चाहे अकेली चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि मेरे इन कपड़ों से इस घर की इज्जत में कोई फर्क आ सकता है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कपड़े चेंज करके जाऊं ताकि मैं अपने डैडी को बता सकूं कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूं, तो ऐसा नहीं होता। इंसान अगर दिल से खुश हो ना, तो वो खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो जाती है। और मैं तो खुश होना भी चाहूं तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जान गई मेरी और फारिस की शादी हया भाभी और हारी भाई को वापस लाने के लिए की गई है। उन्हें ये तासु देने के लिए की गई है कि फारिस अब हया भाभी में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। आप जब कहेंगी, जहां कहेंगी, मैं मुस्कुराऊंगी। आप जब कहेंगी, मैं आंसू बहाऊंगी। लेकिन कुछ चीजों में मैं अपनी मर्जी करूंगी और उसमें मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगी। सॉरी आंटी, मैं लेट हो गई, डैडी मेरा वेट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारी आवाज सुनकर ठीक हो गया बेटा। कहाँ हो? मैं डैडी फारिस के साथ बाहर आई हूँ। अच्छा, फारिस को दो जरा। डैडी, फारिस मेरे लिए आइसक्रीम लेने गए हैं। वो जैसे ही आते मैं आपकी बात कराती हूँ। बाहर निकले हो तो चक्कर लगा जो तुम दोनों, तुम्हें देखने को बहुत जी जा रहा है बेटा। तुम्हारे बगैर खाना खाने को जी नहीं चाह रहा। नहीं नहीं डैडी, आज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी और दिन जरूर आएंगे हम। 10 मिनट के लिए भी नहीं बेटा। डैडी, कोशिश जरूर करूंगी लेकिन वादा नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगा बेटे। अल्लाह हाफिज। अलकुम बाबू,
वालेकुम सलाम बेटा। पुष्टा का फोन आया था मुझे। क्या करें बेटा, शायद हमारी किस्मत में दुख पर रोने ही लिखा। अब तुम आंसू भी नहीं आते, शायद खुश हो गए। दुखी मत होना बेटा, अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो खुशियां और गम साथ साथ चलते हैं बेटा, कभी कुछ मिल जाता है कभी खो जाता है। हमें जिंदगी से अच्छा ही चुनना चाहिए। मुझे इख्तियार ही कब था अबू, मैंने ना ही कभी अपनी मर्जी से चुना ना ही पाया ना ही खोया। इख्तियार होता है बेटा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। नादिया का घर बसा रह सकता था, उसी की वजह से मिसबा का मामला खराब हुआ। अरब की कॉल आई थी, चेक कर रहा था कि उसकी खुशी के बगैर तुम यहां आ गए। ऐसा मत करो बेटा, किस्मत ने अगर तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया है अपना दूसरा नुकसान मत करो। कौन सा नुकसान? अरब की नाराजगी मत मोल लो बेटा। तुम्हारे सामने तुम्हारी दो बहनें मैं क्या आकर बैठी हूं? सुबह तक इंतजार कर लू, यहां भी चली जाओ। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी चली जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आरिफ को खफा मत कर। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे किसी दुख और तकलीफ से तुम्हारा साथ नहीं दे सका। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी अब हया की तबीयत कैसी है? बेहतर है, ऊपर है अपनी अम्मी के पास। अगर आप कहें तो मैं ऊपर जाके उसे मिला हूँ। नहीं, बहुत रात हो गई है, सुबह चली जाना। आंटी तो सुबह वाले रवैये पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आइंदा आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे माफ नहीं करेंगी? क्यों नहीं, अगर बच्चों से गलतियां हो जाए और बच्चे माफी मांग लें तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छी। मैं भी आती हूँ।
पारस, मेरी बात सुन दीजिए। हया खुश तो है ना बेटा? आपको ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, सुबह उसके रवैये के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो तुम्हारे साथ खुश नहीं। चलें, आपने मुझसे ये तो पूछ लिया कि है मेरे साथ खुश है या नहीं, लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं उसके साथ खुश हूं। क्यों? इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल थी, कोई जोर या जबरदस्ती नहीं थी बेटा। क्या लगता है अम्मी आपको, क्या गन पॉइंट पे शादी कराना ही जबरदस्ती होती है? अगर ऐसा ही है तो रोकर, झूठ बोलकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके, कुरान उठाकर अपनी बात मनवाने को क्या कहते हैं? हम आपस में जैसे भी रहें, लेकिन आपके सामने मैं और आया हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। क्या आपने जो अपने बेटे हारिफ से वादा किया ना, वो पूरा कर सके। मैं किसकी कसम खाऊं कि आपको यकीन आ जाए कि मैं और आपने क्या ना उसका? प्लीज मुझे आकर ले सर, हर समय मारा है मुझे। मैं समझती थी कि मैं तुम्हारी बेटियों को दुख दूंगी, तो तकलीफ तुम्हें, मैं भूल गई थी कि किस्मत कभी कभी पासा पलटती। आया से मिलकर आ रहे हो ना? नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। कब समझता मैं? मुझे से मिलकर आ रहा हूं। जवाब तो मुझे कहा था, हिम्मत कैसे रखी? अबे बात मारता क्यों नहीं है? क्या पता कभी चला कभी बुझा।